हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी ना फ्रेंड्स, ये जो है ना फ्रेंड्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो हम लोगों के बीच में तो फेमस है ही, लेकिन अब उनकी चर्चा जो है ना वो पाकिस्तान में भी होने लगी है। कि वीडियो का टाइटल तो यही है, तो आएगा मजा देखने में कि पाकिस्तान में हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी की क्यों चर्चा हो रही है। तो आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। और वीडियो का टाइटल पढ़ लेते हैं, अचानक पीएम मोदी के दीवाने हुए पाकिस्तान के लोग। तो आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद ही हमको पता चलेगा। हाँ, उससे पहले फिर ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओरिजिनल वीडियो को देखो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, मेरा वीडियो देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर करो, और भी अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हो, कमेंट्स भी कर सकते हो। एक तरफ जहां पाकिस्तान की सरकार पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ जहर उगल रही है, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान में ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के कई बड़े लोग पीएम मोदी के मुरीद हो गए हैं। पाकिस्तान की जनता भी अब दबी आवाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करती है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से जोरदार भाषण दिया था, जिसकी चर्चा अब हर जगह हो रही है। खास बात तो यह है कि पीएम मोदी के इस भाषण की पाकिस्तान में भी जमकर तारीफ की जा रही है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने पीएम मोदी के भाषण की दिल खोलकर तारीफ की। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके अब्दुल बासित ने कहा कि एक लीडर को इसी तरह की बातें करनी चाहिए। अब्दुल बासित ने कहा कि भारत में आजादी दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक अच्छे वक्ता हैं और राजनीतिक रैलियों में उनका भाषण हमेशा जानदार होता है। अब्दुल बासित ने कहा कि पीएम मोदी के इस भाषण में भी हमेशा की तरह देश के लोगों के लिए नई बातें कही गई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को अगले 25 सालों में डेवलपिंग से डेवलप्ड देश बनाना है। अब्दुल बासित ने कहा कि पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और महिला सशक्तिकरण की भी बात कही, जो एक मजबूत नेता की निशानी होती है। बासित आगे बोले कि लाल किले से पीएम मोदी ने जिस तरह की बातें की हैं, एक लीडर को ऐसी ही बातें करनी चाहिए। बहरहाल आपको बता दें कि हाल ही में लाहौर में एक रैली के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की जमकर तारीफ की। इमरान खान ने अपनी रैली में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक वीडियो चलाया। लाखों पाकिस्तानियों को वो वीडियो दिखाने के बाद इमरान खान ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी तारीफ की। इमरान खान ने कहा कि भारत ने अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस से सस्ता तेल खरीदा, अपने लोगों को इसका फायदा पहुंचाया, यही एक आजाद देश की निशानी होती है। हाँ फ्रेंड, तो वीडियो तो बहुत बहुत अच्छी थी और बहुत प्राउड कर देने वाली थी। जब पाकिस्तान में हमारे पीएम मोदी की चर्चा चले, और वो भी उनकी पब्लिक तो करती ही है फ्रेंड्स, क्योंकि हम आए दिन वीडियो देखते हैं और उनकी पब्लिक को हमारे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नेतृत्व बहुत पसंद है फ्रेंड्स। और क्यों ना हो फ्रेंड्स, क्योंकि मोदी जो है ना वो कभी अपनी बातें नहीं करते, देश की बातें करते हैं, देश की जनता की बातें करते हैं। और इस बार जो उन्होंने लाल किले से भाषण दिया था, स्पीच दी थी, वो स्पीच दो मुद्दे जो थे उनमें अहम थे, एक तो भाई भतीजावाद और करप्शन। तो दोनों के ऊपर मोदी जी ने बोले थे कि हमारी जो तलवार है वो काफ़ी धारदार रहेगी ये दो मुद्दे पे। और जो भाई भतीजावाद था वो तो फ्रेंड्स हमारे देश में है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन है हर चीज़ में, बॉलीवुड फॉलीवुड में भी मिलता है, राजनीति हर जगह यही मिलता है कि भाई अब अगर जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ उसी कुर्सी पे मेरा बेटा बैठे, जिस पोजीशन में हूँ बेटा चाहे लायक हो या नहीं लायक हो, उसके कारण क्या है ना, जो लोग लायक हैं उनकी अपॉर्चुनिटी ये लोग खा लेते हैं, पैसे के दम पे अपने वंश को, अपने भाई भतीजे
को बिठा के फ्रेश। तो ये मोदी जी का मेन जो था वो ये दो मुद्दे थे और यही सब चीज़ें जो पाकिस्तान की जनता को पसंद आए हैं फ्रेंड्स। और मेन उसमें यही बात है फ्रेंड्स कि मोदी जी हमेशा अपनी बातें पाकिस्तान में, तो देखो ये लोग जो पॉलिटिकल उनका जो होता है फ्रेंड्स के उनका मतलब कोई कंसिस्टेंसी कुछ नहीं है, कभी भी कुछ भी हो जाता है फ्रेंड्स। और एक देश में फ्रेंड्स अगर देश का मुखिया अगर, पहली तो बात है कि जो हमारे मोदी जी बैठे हैं संपूर्ण जोरदार बहुमत से बैठे हैं और 8 साल से करीबन राज कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। जो इंसान सोचते हैं उनको टाइम मिल जाता है तो वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से करते हैं। और मोदी जी ने काफ़ी ब्रेव फैसले भी किए हैं क्योंकि उनको हम लोगों ने, भारत की जनता ने काफ़ी प्रबल तरीके से बिठाया है फ्रेंड्स। तो इस ये कारण मोदी जी को जो काम करने में आसानी भी बहुत हो रही है और भारत की इसमें बेहतरी भी बहुत है, प्रोग्रेस भी हुआ है, विदेशों में भारत का नाम भी हुआ है और वो तो हम इतने सालों से देख भी रहे हैं। और इस साल जो हमने 15 अगस्त मनाई, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया फ्रेंड्स, पूरी दुनिया में मनाया गया, उससे प्राउड भरी बात क्या होती है फ्रेंड्स। तो एक देश में सबसे जोरदार जो होता है ना वो नेतृत्व होता है। जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो अपने लिए नहीं जाते हैं विदेश फ्रेंड्स, वो हम 135 करोड़ जनता का नेतृत्व करते हैं और वो उनकी छवि लेके जाते हैं फ्रेंड्स। तो इसीलिए देखो अब देर सही सही लेकिन पाकिस्तान में भी मोदी की चर्चा होने जरूर लगी है। मेरे को देखिए बहुत बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स और मेरे को मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो कमेंट्स कर सकते हो, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अब मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी सुंदर सी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।